कैसे आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एड्रेस को अपडेट करेंगे अपने आधार कार्ड में, तो वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वो किस तरीके से आपको करना है, चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि मैं इस सीरीज में सिर्फ जनसेवा का जितना भी काम है उसको मैं बता रहा हूँ डेस्कटॉप मोड में। आप देख सकते हैं कि एक इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि मोबाइल से किस तरीके से आप ऑपरेट करेंगे जनसेवा केंद्र को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आधार कार्ड को किस तरीके से अपडेट किया जाता है इस वीडियो में। देखिए, आज हम आधार संशोधन करने वाले हैं। तो आधार संशोधन करने के लिए आपको सबसे पहले myaadhar.gov.in पर आना होगा। माई आधार साइट पे जब आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन आपको करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको आधार नंबर फिल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे एंटर कैप्चा कर देना होगा। जब आप यहाँ पे कैप्चा को एंटर करेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे ओटीपी गया है मैंने उसको फिल कर लिया है। यहाँ पे ये जो लॉगिन वाला ऑप्शन है, इसको लॉगिन करने के बाद ये कुछ देर तक सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हेड ऑफ़ फैमिली यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपडेट वाले पे जाएंगे ऑप्शन पे और कर लेंगे। यहाँ से प्रोसीड विथ यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड विथ अपडेट आधार पे क्लिक करेंगे। ये जो आपका प्री है, ये जो पहले का आपका जो पता वगैरह है, ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे जो अपडेट करना है, वो आपका जो होगा उसको यहाँ पे हम लोग फिल करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल को डाल लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको केयर ऑफ में लिखना होगा, जिसको संबोधित या फिर आप डॉटर ऑफ या फिर ऑप्शन ऑफ जो भी चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम को लिखना होता है। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे जो केयर ऑफ लिखे हैं इसको हम लोग संबोधित कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे नाम हमने लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे जो लैंडमार्क है इसमें हमने कुछ डिटेल्स को फिल करना होगा, जिसमें जैसे कि ग्राम और पोस्ट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे ग्राम और एंड पोस्ट लिखेंगे। यहाँ पे आप एवं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं। तो ग्राम एंड पोस्ट जो भी हो, ग्राम आपका अगर अलग है और पोस्ट ऑफिस अलग है तो आप ग्राम अलग लिखेंगे, पोस्ट अलग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का पोस्ट और विलेज दोनों एक ही है तो यहाँ पे विलेज एंड पोस्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये लिख लेने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे सीमा जो है वो जो चिन्ह जो है यहाँ पे जो भी आपने लिखा है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में लिखने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें आपकी फिल हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो पिन कोड है आपको यहाँ पे पिन कोड को फिल करना पड़ेगा। तो जो भी पिन कोड हो उसको आप जब यहाँ पे फिल करेंगे तो पिन कोड पे आपका डिपेंड करता है, ये सभी चीज़ें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये सभी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हमने इसको पिन कोड को फिल कर लिया। पिन कोड को फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही आपने पिन कोड डाला और यहाँ पे स्टेट वगैरह सब कुछ आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे सब कुछ जब शो करने लगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है अभी, ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इंटरनेट अगर स्लो है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको, अन्यथा नहीं। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने पिन डाला अब यहाँ पे स्टेट आ गया, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब यहाँ पे ऐसा कोई पिन कोड है अगर उसमें दो ज़िलों में वही पिन कोड यूज होता है तो वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ सकता है, और यहाँ से आपका जो भी पिन कोड आपने डाला है उसके अंतर्गत जो जितने भी गांव आते होंगे उसको यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए ये सभी चीज़ें आपने यहाँ से फिल कर लेनी है। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डाक बंगला जो है वो भी आपको, मतलब कि पोस्ट ऑफिस जो है उसको भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको वोटर आईडी को या फिर आप जो भी चाहें आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हो
उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए ये सभी चीज़ें आपको फिर से एक बार मिला लेनी है। सब कुछ आपने जब मिला लेना है तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दे रहा है, एक ऑप्शन है बैक और एक ऑप्शन है नेक्स्ट का, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये सभी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एड्रेस है ये एड्रेस आपको यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे जो यहाँ पे नया पता आपने डाला है वो हिंदी में यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे आई हियर बाय कन्फर्म दैट ये पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना होगा। जब आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर से कुछ देर के लिए प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे ये पेमेंट गेटवे का दो ऑप्शन आ जाएगा, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करके यहाँ पे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो पेमेंट गेटवे है वो खुल चुका है और यहाँ पे एक बारकोड शो कर रहा है। इस बारकोड को आप चाहें तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से पेमेंट कर देना होगा। जो भी आप UPI ऐप यूज़ करते हैं उस ऐप से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसका पेमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कंफर्मिंग पेमेंट यहाँ पे यू विल ओनली टेक अ मिनट। यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है जो कि UDI के खाते में चला गया है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड टाइम दिखाता है और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जो है वो आपकी डाउनलोड हो जाती है। अब यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो हो जाने के बाद यहाँ पे आप वापस से डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे